एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा रीडिंग में लेट डाल रही हूँ, सो उसी तरीके का देखते हैं। नाइट की करंट फीलिंग्स देखेंगे, रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे वो देखेंगे। और आई होप आप सब लोगों के पास जो है वीडियो रीडिंग्स पहुंच रही है, क्योंकि बहुत 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 सारे लोगों के पास रीडिंग्स नहीं पहुंच रही है। मुझे पता नहीं कि क्या इशू हो रहा है, लेकिन नहीं पहुंच रहा है। बहुत लॉन्ग रीडिंग तो नहीं करूंगी, क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से ही मैं आज वीडियो नहीं बना पाई। सो डोंट वरी, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की आज नाइट की करंट एनर्जी क्या होने वाली है, नाइट लेट नाइट थॉट क्या होने वाला है उनका। सो द टावर एंड फोर ऑफ कप्स है ये ऑल साइन वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरी, सजिटेरियस, लियो, जमिना, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आज रात जो है ज़्यादा बात मत करो। अगर बात नहीं हो रही है, ज़्यादा बात करोगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टावर मूवमेंट आ सकता है। इवन वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेट्स लेट्स टेक सम टाइम, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। अगर बात नहीं हुआ है, अगर ऑलरेडी बात नहीं हो रही है, सेपरेटेड हो, लेस टॉकिंग टर्म्स पे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बड़ा पछताएंगे कि क्यों मैंने ये होने दिया। ठीक है, मैं चाहता तो ये टावर मूवमेंट रोक सकता था, फिर रोक सकती थी, बट पता नहीं मैंने ये क्यों होने दिया। कहीं ना कहीं ये पर्सन आज बहुत रिग्रेट करेंगे कि व्हाई ये नहीं होता तो अच्छा होता, मैं थोड़ा और टाइम लेता तो अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो बहुत आपको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत मिस करते हुए, बहुत आपको याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे दुनिया तबाह हो गई, दुनिया तहस नहस हो गई, ये नहीं होना था। कुछ भी हो जाए, हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट्स, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मतलब नहीं होना था। ठीक है, ये इस तरीके की एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पे तुम अलग में अलग, ये तो बिल्कुल नहीं होना था। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है, तो अपनी गलती का तो इनको पूरा पूरा जो है एहसास है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आज रात चाहे कितना 10 जनों का ही क्यों ना मैसेज आ जाए, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये चाहे 10 जनों को रिप्लाई ही क्यों ना कर दे, लेकिन दिल जिसको खोजता है ना, वही बस दुनिया में होता है, और कोई दुनिया में होता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का दिल जो है वो आपको खोजेगा, दिल जो है वो आपको ढूंढेगा। तो ये दिल के चक्कर में वो किसी और को ना रिप्लाई करेंगे, ना किसी और के साथ सही तरीके से बात करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आज आपको बहुत मिस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल उनका माइंड रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत आइसोलेटेड महसूस करेंगे, बहुत अकेला महसूस करेंगे। दोस्त लोग बोलेंगे लेट्स चिल सम, यू नो, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, घूम के आते हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि भोर के 4 बजे तक ये ऐसे ही आपके बारे में सोचते रहें, बैठते रहें और अपनी गलती खुद ही गिनते रहें, आपकी ओल्ड मैसेजेस पढ़ते रहें, या फिर याद करें कि किस तरीके से हम पहले बात करते थे और मैं कैसा गुस्सा करता था, और तुम किस तरीके से मुझे मनाने की कोशिश करते थे, और मतलब मेरा गुस्सा कभी कभी ज्वालामुखी की तरह फटता था। मतलब वो अपनी एक हर एक गलती को वो कहीं ना कहीं याद करेंगे, उनको वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को वो ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने ये करके बहुत गलत किया। ठीक है, स्पेशली अगर रात में आप दोनों के आर्गूमेंट्स होती थी, स्पेशली अगर आप दोनों की रात में लड़ाई झगड़ा होती थी ना, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही माइंड में लेने वाले हैं कि जो भी इश्यूज हो जाता था वो मेरे वजह से होता था। ठीक है, उसके वजह से नहीं, उसने तो हमेशा संभालने की कोशिश किया है, तो उसके वजह से नहीं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड। और देखो, आज रात मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल से और दिमाग से दोनों से ही काम लेंगे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि वो तो सबसे पहले जो है उनको पता चल जाएगा कि जितने भी आज एक ट्रूथ भी उनको कहीं ना कहीं रात को पता चलेगी, रात में उनकी यही फीलिंग्स रहेगी। अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं या फिर आप उनको कांटेक्ट करते हो, अगर आर्गुमेंट्स होती हैं, एक ट्रूथ बॉम्ब, एक सच्चाई ये भी उनको पता चलेगी कि हमेशा जो इश्यूज होता है वो उन्हीं की वजह से होता है, आपकी वजह से नहीं।
ठीक है, तो अपनी गलती का तो तगड़ा वाला एहसास होने वाला है। आज वो कुछ अपनी जिद आपको मनवा सकते हैं, या फिर उनका कुछ जिद है जो वो आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि मेरा ये जिद है, तुम मेरा ये जिद मानो, ये करो वो करो, मतलब कुछ भी तहस नहस वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आपके साथ लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, वो कुछ चीज़ें जो है आज आपके साथ आर्गुमेंट करके मनाने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करूँ या फिर वीडियो करूँ या फिर कुछ भी, जब भी रीडिंग के टाइम पानी पीने का मन होता है, तो उसका मतलब वो होता है कि मेरी जो एनर्जी है वो डाउन हो रही है। तो पानी पीते ही एनर्जी थोड़ी सी आ जाती है और ज़्यादा अच्छे से एनर्जी पिक होती है। ठीक है, लेट्स सी। सो एक बार जब एक हो जाएगा रात के 10, 11, 12 बजे तक, एक बार उनके दिमाग में कोई बात घुस जाएगी, वो उस चीज़ की वजह से आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, आर्गुमेंट्स कर लेंगे, तो फिर एक पॉइंट के बाद उनको पता चलेगा इससे कुछ किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, ना तुम्हारा हुआ ना मेरा हुआ, तुम भी दुखी होकर बैठ रहे हो, मैं भी दुखी होकर बैठ रहा हूँ, तो फिर उनको समझ आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज रात ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। हमेशा इन्हीं की वजह से ही प्रॉब्लम होती है ना, तो अपने आप को ये काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। देखो, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक दायरे में रखेंगे। ठीक है, मुझे दायरे ये होगा कि और तुम्हें कड़वी बातें ना बोलूं, और तुम्हें तीखी बातें ना बोलूं, और तुम्हें ऐसी बातें ना बोलूं जिससे तुम्हें बड़ा तकलीफ हो। तो आज ये पर्सन मुझे अपने आप को काफ़ी हद तक चुप रखते हुए, काफ़ी हद तक खुद को जैसे समझाना होता है ना कि मैं भाई अपने आप को समझा लेता हूँ या फिर अपने आप को मैं समझा लेती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम क्यों इतना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा तकलीफ भुगतो। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप आज बहुत अपने आप को बहुत बड़ा ही संभाल लेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड हो सकती है, कुछ प्लानिंग पोस्टपोन्ड हो सकती है। आज रात वो सडनली आपको कॉल करके बोले कि ये प्लान थोड़ा पोस्टपोन्ड कर दो, या फिर मैं थोड़ा लेट तुम्हारे लाइफ में आऊँगा, या फिर इस चीज़ की वजह से लेट हो रहा है। कुछ चीज़ें जो है अपने आप को वो शांत करते करते प्रोसेस में उनको पता चलेगा कि मुझे अपने अंदर सुधार लाना है, तो वक्त चाहिए। ठीक है, और देखो आज रात आप उनकी करीब 2 बजे के बाद, अगर वो नहीं सोए होंगे तो बार बार ऑनलाइन आएंगे, लेकिन आज आप उनका एक दूसरा अंदाज़ा देखोगे। आप देखोगे कि वो कोई ऐसी जगह पे स्पिरिचुअल प्लेस के घूमने गए हैं, अपनी फ़ोटो डाल दिया, और ऐसे होता है ना कि गलती का प्रायश्चित करना, तो मुझे बड़ा ऐसा दिख रहा है कि आज अपनी गलती का वो प्रायश्चित करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मुझे दिख रही है, अगर बहुत टाइम से ये पर्सन चुप है, शांत है, बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अचानक से उनको कुछ होगा और वो आपको कुछ आज बोलेंगे, उस चीज़ की वजह से आर्गुमेंट से क्यों ना हो जाए, लेकिन वो चीज़ वो आपको बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए मेरे को तेरे को बोलना ही ये चीज़ है, मेरा चाहे मैं कितना गलत हूँ, चाहे मेरा दिल हल्का हो जाए, लेकिन मेरे को तुम्हें बोलना ही है। तो आज ये अचानक से उठ के अचानक आपको कुछ ऐसी बातें बोलेंगे और आप सुन के ऐसा सोचोगे क्या पागल हो क्या, तो पागल हो जैसी बात वो थोड़ी आज रात कर सकते हैं, या फिर पागल हो जैसे हरकतें वो आज रात थोड़ा सा कर सकते हैं। आपको वो चीज़ ऑफ कोर्स क्यूट लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मेजर इशू, कोई मेजर प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो और कुछ खास देखते हैं। फुल ऑफ फॉर्च्यून एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो रात में वेट कर करके ही चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि उनको उनका आपके लिए मैसेज करना, उनका आपको मैसेज करना। ठीक है, वो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बार बार यही करेंगे, मैसेजेस टाइप करना स्टार्ट करेंगे और फिर मैसेजेस को कट कर लेंगे। वो आज जो प्रॉब्लम करेगा उनका खुद का दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, आज कोई थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होगी चीज़ें, नो मैटर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, नो मैटर यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, आप भूल जाओ उस चीज़ को। ठीक है, मैटर सिर्फ इतना है कि गलती इनकी रहेगी, चीज़ें इन्हीं को समझ नहीं आएगी
और यही चीजों को प्रॉब्लमेटिक करेंगे। 10 बजे के बाद कुछ मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। देखो, एक्सीडेंट सुन के डरना मत, मतलब दोनों के बीच में कुछ मेजर बात हो सकती है। इंसिडेंट मैं बोल रहा चाह रही थी, इंसिडेंट बोलना चाह रही थी, एक्सीडेंट निकल गया। तो 10 बजे के बाद, ठीक 10 बजे के बाद कुछ मेजर इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है। जैसे होता है ना कि समय बदल जाएगा, रोज रात आप वेट करते हो इनके कॉल मैसेज का, या फिर आज बात हो जाए, आज मुझे अनब्लॉक कर दे। सो आज की रात उल्टा हो जाएगा, वो सोचेंगे कि पहले कैसे कॉल करते थे, कैसे बात होती थी, आज अगर थोड़ा कॉल कर ले, थोड़ा बात कर ले, कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे थोड़ी सी चीज़ें दिख रही है कि आज समय का पहिया थोड़ा उल्टा चलेगा, कुछ कर्मा उनको मिलेगा जिससे उनको अपनी गलती का भली भांति खूब महसूस होगी। ठीक है, अभी तक अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हाँ, मैं देख लेती हूँ कि आज रात ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ईगो बड़ा ही अकड़ में रहते हैं ना, तो देख लेते हैं कि बात करेंगे या नहीं। Yes, और मैं एक कार्ड निकालने वाली थी, लेकिन और मैं निकालना नहीं चाहूंगी क्योंकि मुझे एक ही कार्ड में काफी क्लियर आंसर मिल गया। यस, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, सो बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स में आया था, तो क्यों रिवर्स में आया था वो मैं देख लेती हूँ। बात तो करेंगे लेकिन व्हाई इन रिवर्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, तो कैसे बात करेंगे वो भी मैं आपको बहुत क्लैरिटी दे देती हूँ। आज रात ये आपको कोई दोस्त के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे, कोई दोस्त के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका इंटर कास्ट का इशू है तो वो उस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, कोई दोस्त को पास बिठा के बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज रात ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करेंगे। अगर डायरेक्टली करेंगे तो इमोशंस बाहर आ जाएंगी, चीज़ें बाहर आ जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज़ फील होगी कि ये भी तो मेरे लिए सेम चीज़ फील करते हैं, तो एटीट्यूड किस चीज़ के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। सो इसीलिए वही होगा, जो लोगों का नो कांटेक्ट, प्योरली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मैं देख लेती हूँ कि आज रात आपकी पर्सन की स्पेशली क्या थॉट रहेगी आपके लिए। प्योरली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए डेविल काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आज आपके बारे में बड़ा ही सेक्सुअल ख्वाब देखेंगे। यू नो, दिस पर्सन विल टॉक अबाउट द इंटीमेसी। अगर आपको कॉल भी करते हैं, विल टॉक अबाउट इंटीमेसी एंड ऑल। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। देखो, आज रात ना इनके दिमाग में जो है वो कुछ खिचड़ी पकने वाली है, तो वो जो खिचड़ी इनके दिमाग में पकेगी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा मेहनत मशक्क़त आज करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मत करना। मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ। लेट्स सी, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, वो क्या आपको प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं। आई होप आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रीडिंग को जरूर लाइक कर दिया होगा। रेडी, 3, 2, 1, 0। ठीक, तो आई वॉज ऑल अप इन माई हेड बट आई डू सी क्लियरली नाउ। ये बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे दिमाग में था, जितनी भी चीज़ें मैस हो रही थी, जितनी भी चीज़ें प्रॉब्लम थी, मैं बात नहीं करता था तुमसे, या फिर मेरे दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तुम्हें लेके, लेकिन अब मेरे दिमाग में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब कुछ क्लियर हो गया है, वो सब कुछ मुझे क्लैरिटी मिल गया है। तो बहुत ही जल्दी जो है मैं तुमको वो चीज़ बता दूंगा कि मेरे दिमाग में क्या था, बता दूंगी जिस तरीके से आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैसेज, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है,
आई टायर्ड टू फॉरगेट यू, मैंने मैंने कोशिश किया था तुम्हें भूलने के लिए, टायर्ड, ठीक है, मैंने ट्राई किया था, अब भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हो गया, मैं नहीं भूल पाया, तुम्हें तुम्हारी फिर से याद आ गई, तो मैं क्या करूँ, तो हो गया, अब मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि वो आपको भूल नहीं रहे हैं, डोंट वरी। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय गाइस।